पे जाएंगे तो हमें पिंडदान करने में क्या खर्च होगा? पिंडदान का खर्च यहाँ पर होता है, कम से कम तीन स्थान पर पिंडदान करें। पिंडदान यात्रियों के लिए घर से भी कुछ लेकर आना होता है क्या? हाँ बिल्कुल आना होता है, उनके पितरों का आवाज। काफी सवाल होता है कि गया जी में ही पिंडदान लोग करते हैं, आखिर क्यों करते हैं, इसका भी सावधान। अब बहुत लोग हैं कि बहुत सारे वंशज हैं, उनके एक ही सदस्य कोई अगर पिंडदान करता है करे तो क्या वो सब पितृ? नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे हैं। दोस्तों हमारी मौजूदगी है अभी देवघाट फल्गु नदी के तट पर। आपको जानकारी होगा कि 17 तारीख से 17 सितंबर से जो है आरंभ होने जा रहा पितृपक्ष मेला। काफ़ी लोग का ये सवाल होती है कि गया जी जाएंगे तो क्या खर्च होगा, क्या बजट में हम वहाँ पे पिंडदान कर सकते हैं। तो हमारे साथ आज जुड़ने जा रहे हैं चंदन गुप्त जो कि यहाँ के पुरोहित हैं विष्णुपद गया जी के। तो चलिए आज हम इनसे आप बात करते हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ओम नमो नारायण। तो आप बताइए कि यहाँ पे काफी लोग की सवाल होती है, बहुत लोग का एक ही सवाल होता है, यहाँ पे पिंडदान करने लोग आते हैं तो बस यही पूछते हैं कि भैया सबसे पहले हमको यही बताइए कि हमें वहाँ पे जाएंगे तो हमें पिंडदान करने में क्या खर्च होगा? पिंडदान का खर्च यहाँ पर होता है, कम से कम तीन स्थान पर पिंडदान करेंगे, उसमें पिंड का सामान, पंडित जी का दान दक्षिणा, गौदान, वस्त्रदान, पात्रदान, तो कम से कम महंगाई के अनुसार 2-3 हजार रूपए आपको खर्च बैठेगा। 2-3 हजार खर्च बैठेगा? तो 3 हजार मैक्सिमम या मिनिमम, मैं लोग ज्यादा से ज्यादा या कम से कम? कम से कम 2 से 3 हजार। कम से कम 2 से 3 हजार रूपया? कम से कम 2 से 3 हजार रूपया में मतलब वो पिंडदान कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे उनके पिंडदान जो कर आपके साथ आएंगे उसका सुविधा, जैसे कि आप रहने का भी उसका उनका सुविधा करवा देंगे या और किसी? सारी सुविधा हमारे पास, रहने ठहरने की व्यवस्था है। जब चलें तो टेलीफोन से संपर्क करें या अन्यथा किसी भी विषय के लिए, श्राद्ध पिंडदान पूजा के लिए किसी भी विषय में अगर जानकारी भी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप वो संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि गया जी में बहुत सारे लोग आने से पहले डरते हैं कि कहाँ जाएंगे, किनके पास क्या रुकेंगे, क्या पूजा करना होगा, मन में कई प्रकार का क्वेश्चन उनको चलता रहता है क्योंकि डर होता है कि कहाँ अनजाना जगह पर जाएंगे। इसलिए मैं आपका जो तीर्थ पुरोहित चंदन जी हूँ, आप चिंता का कोई विषय नहीं है, आप हमारा नंबर है, नंबर पर संपर्क कीजिएगा, पिंडदान पूजा रहने ठहरने की सारी व्यवस्था हमारे पास है। अच्छा, इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जिससे आप कांटेक्ट करके जो है इनके पास आकर और कम बजटों में ही कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं कि जैसे कि लोग डरते हैं यहाँ आने से, बहुत सवाल होती है, कोई कुछ पैसा, कोई कुछ पैसा, उससे बहुत लोग भयभीत हो जाते हैं। तो उसके लिए 2 से 3 हजार में आप उनको ये सावधान पूरा पिंडदान का पूरा खर्च आप इतना कर दीजिएगा? जी बिल्कुल, पिंडदान हो जाएगा, 2 से 3 हजार में पिंडदान हो जाएगा। क्योंकि चलने से पहले टेलीफोन करना, रेलवे स्टेशन, गया रेलवे स्टेशन, ऑटो वाला, टेम्पो वाले, बहुत सारे लोग, दलाल भी इस समय मेला पितृपक्ष में लोग घूमते रहते हैं। अच्छा, आपसे संपर्क कर वो यहाँ आपसे संपर्क करके ही आना है, संपर्क करके ही आना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भाई भतीजा ये वो बताने वाले घूमते हैं, ऐसा किसी के बात बहकावे में नहीं आना है। घर से भी कुछ पिंडदान यात्रियों के लिए घर से भी कुछ लेकर आना होता है क्या? हाँ बिल्कुल आना होता है, उनको पितरों का आह्वान करके आना होता है गया जी में, चलने से पूर्व एक दिन पहले उनको आह्वान करना होता है। सामग्री में कुछ लाना पड़ता है? सामग्री है, 1.25 मीटर कपड़ा है, नारियल है, सुपारी है, घर का मिट्टी है, चावल है, यही सब सामान है, पीली सरसों है, यही सब उनको लाना पड़ता है। तो काफी लोग का सवाल यही होता है कि पिंडदान करने आएंगे तो क्या खर्च होगा, क्या बजट होगा। तो इन्होंने चंदन जी ने पूरी सावधान आपके साथ जोड़ दिया है कि 2 से 3 हजार में आप यहाँ पर पिंडदान के साथ साथ आप रह भी सकते हैं। तो बहुत अच्छा है कि आपके साथ, इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इनसे कॉन्टेक्ट करके आप यहाँ इनसे आ सकते हैं। ये विष्णुपद और गया जी के पुरोहित चंदन जी हैं। थोड़ा सा और एक सवाल, गया जी लोग आते हैं, काफी सवाल होता है कि गया जी में ही पिंडदान लोग करते हैं, आखिर क्यों करते हैं, इसका भी सावधान आप छोटे से शब्द में करते हैं। ये जो गया जी में जो श्राद्ध करते हैं ये अपने शरीर के लिए नहीं होता है, सारा तीर्थ अपने शरीर के लिए है और गया जी सर्व पितरों के लिए, जो गुजर जाते हैं उनके लिए श्राद्ध के लिए स्थान है, यहाँ पर अपने शरीर के लिए यहाँ पर नहीं श्राद्ध पिंडदान होता है। जो गुजर जाते हैं, जिनका पिता माता दादा दादी नाना नानी चाचा चाची
मौसा मौसी इष्ट मित्र सगा संबंधी जो गुजर जाते हैं उनका ये श्राद्ध यहाँ पर श्राद्ध होता है, ये उनके लिए स्थान है। और जानना था जैसे कहने के बहुत लोग हैं कि बहुत सारे वंशज हैं, उनके एक ही सदस्य कोई अगर पिंड दान करता है करे तो क्या उन सब पितरों को मिल जाता है क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि गया में 7 वंश 121 कुल का नाम से पिंडदान होता है। जब आप गया जी का यात्रा करते हैं तो अपना पूर्वज का नाम और गोत्र भी लगता है इसमें, जिनमें पिता दादा परदादा माता दादी परदादी नाना नानी चाचा चाची मौसा मौसी सास ससुर गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सबको मतलब सबको मिल जाता है, सबको देना होता है, सबका नाम और गोत्र लिखकर आना होता है। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के बाद। आज हम वीडियो ये बना रहे थे इसके लिए कि खर्च काफी लोग डरते हैं कि खर्च क्या होता है, इन्होंने सावधान कर दिया 2 से 3 हजार में इनसे खर्च होती है, और ये इनसे ऐसे बहुत लोग हैं कि वो काफी पैसे ले लेते हैं, लेकिन आप कांटेक्ट करके आए तो आप बहुत अच्छे से और कम खर्चों में आप रह सकेंगे और जो है बच सकेंगे लोगों से ज्यादा खर्च करने से। तो कांटेक्ट करके पहुंचे और चंदन जी से कांटेक्ट करें और यहाँ पे गया जी धाम में आराम से पिंड दान कर यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। ऐसे 3 दिन एक श्राद्ध होता है, 1 17 दिन का श्राद्ध होता है, 3 दिन फायदा और जो 17 दिन का जो विषय है, हर जिले का अपना अपना एक रीति एक रिवाज होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रीति रिवाज मानते हैं 3 दिन का, और जो मारवाड़ी समाज से है वो 17 दिन का रीति रिवाज मानते हैं, 17 दिन का, क्योंकि जिनके पास अब समय का भाव होता है वो 1 दिन भी करते हैं, जिनके पास समय होता है तो 3 दिन भी करते हैं। 17 दिन का खर्च, हाँ है, 2 सवाल है, 3 दिन में जो आप रहेंगे और जो 17 दिन रहेंगे उनमें बजट में क्या फर्क होता है? 3 दिन अगर करेंगे तो कम से कम उनको 10 से 12 हजार रुपए खर्चा जाएगा उनका। और 17 दिन 17 दिन का 17 दिन में बहुत खर्चा आता, उसमें रहने ठहरना बहुत उसमें खर्चा आएगा, उसमें कम से कम उसका पूरा कॉन्टेक्ट नहीं होगा, 50 हजार तो ये चीज आपको क्लियर कर दी है कि 3 दिन में कितना खर्च होता है और 17 दिन में कितना खर्च होता है। आप 2-3 हजार की जो आप बात किए थे वो 1 दिन का खर्च बताए थे, 1 दिन का, 1 स्थान पर, 3 स्थान पर 1 दिन का खर्च जो होता है 2 से 3 हजार रुपया आपका लगेगा और आप कर सकते हैं। जैसे कि 3 दिन कोई करता है, कोई 17 दिन रहकर पूरे पक्ष रहकर यहाँ पर पिंडदान करते हैं, तो उन्होंने उसमें ज्यादा बजट हो जाता है, तो कम बजट में ही लोग करना चाहते हैं तो वो 1 दिन में भी कर जा सकते हैं। ऐसे उनका खर्च पे तो हम नहीं बता सकते उनका क्या इच्छा है। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग को कुछ जानकारी इस वीडियो के से मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।